में बैठकर आने वाले किसान नहीं हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में वैलिड थी, 2024 में वैलिड नहीं है। क्या करेगा किसान? देखिए गरिमा जी, आज देश के सामने अपने आप क्लियर हो गया है, ऐसे लोग जो एमएसपी कमेटी में लिए गए हैं, जो खेती को नहीं जानते, जिन्होंने खेत में कभी कस्सी नहीं चलाई, जिन्होंने रात के समय खेत में कभी पानी नहीं दिया, जो लोग पेस्टिसाइड कंपनीज के लिए दलाली करते हैं, उन लोगों को आज एमएसपी कमेटी में बैठाया गया है और वो किसानों के लिए सही या गलत तय करेंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कृषि का भविष्य ही सरकार के दौरान कैसा है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं, अभी जो चर्चा चल रही थी कि भाई किसान बख्तरबंद गाड़ियों में आ रहे हैं, ये सरकार, मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको दिखाया था, ये सरकार जो मोर्टार बॉर्डरों पे इस्तेमाल होते हैं वो किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। 12 बोर के छर्रे सीधे किसानों को मारे जा रहे हैं। मुझे, मेरे मन में तो सवाल ये है कि क्या ये सरकार हमें, इस देश का नागरिक, समझती भी है या नहीं समझती? भाई हम इतना ही तो कह रहे हैं ना। लेकिन अभिमन्यु, एक और सवाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा कर दो। एक सवाल और है, 23 फसलों को, पहली बात तो सरकार 23 फसलों को एमएसपी देने की अभी मोड में है नहीं, लेकिन अगर 23 फसलों को आपकी मांग के मुताबिक एमएसपी मिल भी जाती है तो बाकी जो पोल्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, फिशरीज से जुड़े हुए हैं, पशुपालन है, डेयरी है, ये सारे प्रोडक्ट, फिर ये इनइक्वालिटी नहीं हुई, असमानता नहीं हो गई किसानों के बीच में? गरिमा जी देखिए, हर स्टेट का अपना एक अलग सिस्टम होता है, कौन कौन सी क्रॉप का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में मसाला का आयोग है, उसकी डिमांड भी हमारे इसमें शामिल है कि हल्दी का आयोग बनाया जाए, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं। आप इसी तरीके से आप ये देखोगे, आपने अलग अलग उसकी बात करी, हर जगह अपना सिस्टम अलग अलग है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून बनाए। अब जो आपने पोल्ट्री की बात करी, हम इसमें एक बात कह रहे हैं अपनी डिमांड चार्टर में कि कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना किया जाए। अभी हमारी सरकार इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF पे अमेरिका और अन्य देशों के साथ 3 राउंड की चर्चा कर चुकी है, लेकिन वो क्या चर्चा हुई वो अभी हमारे देश के संसद में भी नहीं बताया गया है। अगर IPEF पे समझौता होता है तो भारत का पोल्ट्री सेक्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो 40 लाख लोग पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर लेग पीस नहीं खाई जाती है चिकन की, अमेरिका के अंदर वो चेस्ट खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे लेग पीस खाने का पैटर्न है, तो अमेरिका में क्या करते हैं, वो लेग पीस उनके लिए वेस्ट है, वो उसको डीप फ्रीजर में रख के उसको इंडिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट करने को तैयार है। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे रोक लगाई जाए, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर WTO से बाहर आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात गरिमा जी, लेकिन सरकार, पिछले 10 साल में ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछले, मुझे एक बात, मेरी बात पूरी करनी दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं खनौरी बॉर्डर पे हूँ या इंटरनेट बार बार कट रहा है, पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 10 सालों में एक भी निष्पक्ष और न्यूट्रल किसान डेलीगेशन से मुलाकात करने के लिए समय नहीं दिया। वो कॉर्पोरेट जो है, हाउसेज है, उनके लोगों से तो मिल लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप हमारे भी तो प्रधानमंत्री हो ना, हम भी तो आपको अपना प्रधानमंत्री मानते हैं ना, आप हमारे लिए भी तो प्रधानमंत्री है। 10 सालों में आप हमारे लिए एक भी मीटिंग के लिए समय नहीं निकाल सकते, ये बड़े दुख की बात और दुर्भाग्य की बात है। अभिमन्यु जी, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे उम्मीद थी ना आपकी, जिससे उम्मीद थी 18 फरवरी की मीटिंग से, उसमें सरकार ने प्रस्ताव आपको दे दिया, प्रकाश चंद्र शर्मा भी